नमस्कार स्वागत है मैं हूँ कृष्णारायण सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा आज के इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा समाप्त हो चुकी है अब वे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे और उनका नाम परिवर्तित होकर के विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे लोगों के मन में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि क्या जब हम लोग विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे तो क्या हमारा वेतन प्रारंभ से यानी कि शुरू से एक नए स्तर से प्रारंभ होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से जारी हुई थी बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुई वह नियमावली जिसका ज्ञापांक चौबीस और यह अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 दो 2023 थी बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के जारी होने की तिथि में अपर मुख्य सचिव आदरणीय के के पाठक का सिग्नेचर भी था उन्हीं के द्वारा यह अधिसूचना जारी हुई उसमें क्या बातें लिखी हुई है वेतन से रिलेटेड और इसके बाद हम लोग उसका भी कंपेरिजन करेंगे जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत विज्ञापन संख्या 26 ओब्लिक 2023 में जारी हुई थी उन शिक्षकों के लिए जो कि विद्यालय अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे, यानी जो बी के रूप में बहाल हुए बी के द्वारा जिन शिक्षकों की बहाली हुई जिन अभ्यर्थियों की बहाली हुई वे विद्यालय अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे लेकिन इसके तहत जिनकी बहाली हुई है वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे अब यहाँ पे एक असमंजस भरी स्थिति है लोगों में कि वेतन शुरू से प्रारंभ होगा यदि आप वन टू फाइव के शिक्षक हैं तो बीपीएससी का जो नियमावली जारी हुआ है बीपीएससी के माध्यम से तो उसमें बेसिक पे पच्चीस हज़ार रुपया बताया गया है तो क्या वहीं से प्रारंभ हो जाएगा इसी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियरेंस करने वाले हैं आप यहाँ पे बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो ज्ञापांक चौबीस सौ साठ और दिनांक छब्बीस बारह दो हज़ार तेईस की तिथि में जारी हुई थी उसी में वेतन से रिलेटेड बातें कही गई है हम लोग इसको समझेंगे इससे बहुत सारी बातें हद तक क्लियर हो जाएगी सपोज़ कीजिए कि वन टू फाइव के शिक्षक अभी हैं जिसकी बहाली 2014 में हुई है तो उनका मूल वेतन छब्बीस हज़ार पाँच सौ दस रुपया है और अभी के जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उनका मूल वेतन पच्चीस हज़ार रुपये है तो क्या वहीं से प्रारंभ होगा तो हम लोग इसकी स्पष्टता यहाँ से कर लेते हैं आप उस अधिसूचना को गौर से देखिएगा वेतन जो कि कंडिका आठ में इस बात की चर्चा की गई है आठ दशमलव एक में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि विशिष्ट शिक्षक ध्यान दीजिएगा इसी शब्द से क्लियरेंस हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे पूर्ण वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ उन्हें मिलेगा यानी कि 2020 नियमावली के तहत जो नगर निकाय यानी कि पंचायत स्तर से या तो फिर नगर निकाय के स्तर से जिन शिक्षकों की बहाली हुई है और अभी वे छब्बीस हज़ार सपोज कीजिए कि छब्बीस हज़ार पाँच सौ दस रुपये या तो सत्ताईस हज़ार कुछ रुपये प्राप्त कर ले कर रहे हों तो उस आधार पे उनका पूर्ण वेतन संरक्षण यानी को उनका वेतन संरक्षित रहेगा तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जिन शिक्षकों का वेतन अभी मिल रहा है जिस मूल वेतन पे बेसिक वेतन पे तो वह यदि आपका संरक्षित रहता है तो निश्चित रूप से आपका जो टोटल उसमें सारी ऐड होगी सुविधाएं तो आगे बढ़ते जाएगी उसके बाद आठ दशमलव दो कंडिका में इसकी चर्चा है कि इसके अलावा यह जो पूर्ण वेतन आपका संरक्षण है तो इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर यानी कि आप विशेष शिक्षक बन जाएंगे यह नियमावली आपका प्रभावी हो जाएगा राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे तो इस नियमावली के प्रभावी होने पर उसका वेतन यानी उनका जो वेतन होगा वह फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार से दय होगा इस ज्ञापांक 2460 दिनांक 26 बारह 2023 की तिथि में जो जारी हुई थी अधिसूचना सबसे नीचे आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे फिटमेंट मैट्रिक्स है उसमें इंडेक्स के रूप में दिया हुआ है एक नंबर में देखिएगा वन टू फाइव के लिए पच्चीस हज़ार रुपया है उसके बाद दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बढ़ते चलिएगा तो उसका जो बेसिक पे है बेसिक सैलरी है वह इंक्रीज होते जाता है तो अभी फिलहाल जिनका छब्बीस हज़ार पाँच सौ दस रुपया है या सत्ताईस हज़ार समथिंग है तो उसी के आधार पर यानी कि पे, पे प्रोडक्शन होगा वेतन का संरक्षण होगा तो वहीं से प्राप्त होगा और वहीं पे यदि बीपीएससी के माध्यम से यानी कि वैसे विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं तो उनका देखिएगा सिर्फ वेतनमान लिखा हुआ और मूल वेतन पच्चीस हज़ार रुपया लिखा हुआ इसके साथ साथ प्रतिमा अन्य अनुमान्य भत्ते भी दे होगा तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो गए होंगे काफ़ी स्पष्टता हो गई होगी कि यदि उनका वेतन संरक्षित रहता है वेतन पच्चीस हजार रुपये से नहीं प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से यह जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतन अभी फिलहाल वेतन संरक्षण का जो लाभ मिला है इस नियम के अनुसार से जो कंडिका आठ दशमलव एक में दर्शाया हुआ है तो बे, पूर्ण वेतन संरक्षण की पे प्रोटेक्शन उसका वेतन जब संरक्षित रहने की बात कही गई है तो उस आधार पे उनका वेतन अभी जो मौजूदा स्थिति में प्राप्त कर रहे हैं मिल रहा है तो वहाँ से अन्य सुविधाएँ के साथ वह इंक्रीज करेगी बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय